नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, अगर आप चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में नए मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन डायरेक्टली पहुँच जाए। ओके, ये तो होगी एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों, आप बात करते हैं पेपर वन के बारे में। दोस्तों, अब से कुछ दिन तक हम डिस्कस करेंगे पेपर वन के बारे में, क्योंकि पेपर वन भी काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों, पेपर टू इकोनॉमिक्स की हम डीप स्टडी करेंगे अपने ऑनलाइन बैचेस में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में, जो स्टार्ट हो जाएंगी 25 to 30 अगस्त के बीच में। दोस्तों, इस बार जितने भी अपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है ऑनलाइन मोड पे, तो हम जितने भी डीप स्टडी है इस बार हम करेंगे सिर्फ ऑनलाइन स्टडी। ओके, तो अब बात करते हैं पेपर वन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। देखिए दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट होके आता है और लास्ट ईयर में काफ़ी रिपीटेशन इसकी हुई है, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। देखो दोस्तों, हमें डेफिनेशन के बारे में तो पता ही होता है कि कुछ चीज़ को अगर हम डिफाइन करें तो वो डेफिनेशन है। तो आपने ये टर्म्स भी ज़रूर पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, परसुएसिव, प्रिसाइजिंग, लेक्सिकल, स्टिपुलेटिव। चलो, अभी आपको ये टर्म समझ नहीं आएंगी, लेकिन श्योरली इस वीडियो को देखने के बाद आप ये टर्म्स इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। देखो, जनरली डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है? जस्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड यूजिंग अदर वर्ड्स, मतलब किसी चीज़ को डिफाइन करना, मतलब अदर वर्ड से डिफाइन करना, मीन्स मीनिंग ऑफ द वर्ड यूजिंग अदर वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। जनरली यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेफिनेशन में नंबर वन लेक्सिकल डेफिनेशन, नंबर टू स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, नंबर थ्री प्रिसाइजिंग डेफिनेशन, नंबर फोर परसुएसिव डेफिनेशन और नंबर फिफ्थ है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं अदर डेफिनेशंस। ओके, अब बात करते हैं इनकी डीप स्टडी करते हैं। नंबर वन लेक्सिकल डेफिनेशन। देखिए, ये जस्ट ऐसे टर्म्स हैं जो हम ओवरऑल, मतलब थ्योरेटिकल ना पढ़ते हुए, ओवरऑल इनकी मीनिंग हम समझ सकते हैं। लेक्सिकल डेफिनेशन का मतलब होता है ऐसी डेफिनेशन जो हमने डिक्शनरी से पढ़ी है, मतलब जो वोकैबुलरी के रूप में है। देखो, जब हम डिक्शनरी पढ़ते हैं तो ए टू जेड उनमें वर्ड अरेंज होते हैं असेंडिंग रूप में, ठीक है। तो ये भी अगर हम वर्ड, मतलब वोकैबुलरी जो होती है, वोकैबुलरी ऑफ द लैंग्वेज, वो बता रही है, और इसी को हम कहते हैं दैट इज़ डिक्शनरी मीनिंग। तो लेक्सिकल वर्ड जुड़ा हुआ है वर्ड्स या फिर वोकैबुलरी से, जो वर्ड्स और वोकैबुलरी होती हैं डिक्शनरी में, मतलब इसको डिक्शनरी मीनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, इट मीन्स कॉमन यूजेस, और इसका मतलब होता है दैट इज़ कॉमन यूजेस। और नेक्स्ट वन, लेक्सिकल डेफिनेशन आर आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब जो आपके जो वर्ड हैं अरेंज किए गए हैं वर्ड्स और वोकैबुलरी, वो सच भी हो सकती हैं और झूठ भी, दैट ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट वन, इफ़ डेफिनेशन इज सेम एज द एक्चुअल यूज ऑफ द वर्ड देन इट इज़ ट्रू अदरवाइज फॉल्स, मतलब जो डेफिनेशन है वो सच है एक्चुअल यूज़ के, मतलब अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ पे, मतलब एक ऑनेस्ट पर्सन है, अगर एक ऑनेस्ट पर्सन को हमने ऑनेस्ट कहा है तो मतलब उसके एक्चुअल यूज़ भी, मतलब उसके गुण भी होने चाहिए ऑनेस्ट वाले, तो अगर तो हमने वैसे यूज किया फिर वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो अगर आप बैड पर्सन को ऑनेस्ट कहोगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब डेफिनेशन इज द सेम एज द एक्चुअल यूज ऑफ द वर्ड। ओके, तो नेक्स्ट वन है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। अब स्टिपुलेटिव डेफिनेशन को आप जनरली अपने मीनिंग में कन्वर्ट करो, स्टिपुलेटिव का मतलब होता है किसी पुरानी चीज को नए चीज में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इसकी मीनिंग पढ़ते हैं, टाइप ऑफ डेफिनेशन इन विच करेंटली और एग्जिस्टिंग टर्म इज गिवन अ न्यू स्पेसिफिक मीनिंग, मतलब कुछ पुरानी चीज से हमने न्यू मीनिंग डिराइव की है, ठीक है, दैट मींस स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। अब एक करेंट एक जो मीनिंग है आजकल, सेल्फी, तो सेल्फी पहले तो डेवलप नहीं हुई थी, पहले हम उसको जनरली क्या कहते थे, फोटो क्लिक करना कुछ ऐसे, लेकिन अब उसको एक नया नाम मिला है सेल्फी, मतलब एग्जिस्टिंग टर्म से कुछ न्यू चीज की इन्वेंशन, दैट इज स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप का, सो देयर वाज नो डेफिनेशन ऑफ लैपटॉप बिफोर कंप्यूटर्स वर मेड, कंप्यूटर के बनने से पहले लैपटॉप की कोई डेफिनेशन नहीं थी, लैपटॉप की डेफिनेशन आई है कंप्यूटर से, सो मतलब कंप्यूटर की नई डेफिनेशन लैपटॉप, मतलब एक एग्जिस्टिंग टर्म्स से हमने न्यू चीज इन्वेंट की है या फिर वर्ड इन्वेंट किया है। अब ग्रू,
ग्रू हैज़ नो मीनिंग इज स्टैंडर्ड इनिंग, ग्रू का स्टैंडर्ड मीनिंग मतलब इतना नहीं बनता, लेकिन देयर फॉर इसका मतलब होता है गुड मैन. देयर फॉर गुड मैन क्रिएट्स अ न्यू टर्म्स एंड गेव इट अ स्टिपुलेटिव डेफिनेशन. और ग्रू का जो न्यू फॉर्म बना है दैट इज़ गुड मैन. तो एक स्टिपुलेटिव डेफिनेशन है, इसका मतलब है जो पुरानी चीज़ को हम नया नाम देते हैं वो. और स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ये बात ध्यान में रखना, ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस ना तो सच होता है और ना ही झूठ होता है, दैट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. नाउ तीसरी टर्म्स डिस्कस करते हैं, प्रिसाइजिंग डेफिनेशन. अब प्रिसाइजिंग डेफिनेशन को अगर अपने वर्ड में हम देखें, प्रिसाइजिंग का मतलब होता है प्योर, शुद्ध करना. तो जहाँ पे भी गलतियाँ हैं प्रिसाइजिंग डेफिनेशन वहाँ अप्लाई नहीं होगा. तो जहाँ भी शुद्ध चीज़ें होंगी मतलब उस वर्ड की शुद्ध मीनिंग, उसको हम बोलते हैं प्रिसाइजिंग डेफिनेशन. और इसका मतलब भी होता है प्योर और हिंदी में शुद्ध. ओके, प्रिसाइजिंग डेफिनेशन आर टू रिड्यूस वेगनेस. वेगनेस होती है जो गलतियाँ हैं, मतलब जो अनसर्टेनिटी हैं. तो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन आर रिड्यूस वेगनेस, ये वेगनेस को मतलब जो गलतियां हैं, जो अशुद्धि है उनको, जो रॉन्ग चीज़ें हैं उनको कम करता है. ओके, इट एक्सटेंड द लेक्सिकल डेफिनेशन. और ये एक्सटेंशन है लेक्सिकल डेफिनेशन, मतलब डिक्शनरी डेफिनेशन का. ओके, प्रिसाइजिंग डेफिनेशन आर जनरली यूज वेयर वेगनेस इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे गलतियाँ तो एक्सेप्ट की ही नहीं जा सकती, मतलब वेगनेस इज अनएक्सेप्टेबल. तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट वन, मैनी लीगल डेफिनेशंस आर प्रिसाइजिंग डेफिनेशन. कुछ लीगल टर्म्स में जो चीज़ें होती हैं वो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन होती हैं, जैसे कंपनीज लॉ, लॉ एंड ऑर्डर एट्सेट्रा. और प्रिसाइजिंग डेफिनेशन इज यूज टू प्रिवेंटिंग डिस्प्यूट्स, तो जहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ये प्रिवेंट करता है. और नेक्स्ट वन है फोर्थ, परसुएसिव डेफिनेशन. और दोस्तों परसुएसिव का मतलब होता है एक इफेक्टिव, अगर हम अपनी मीनिंग में करें मतलब प्रभावपूर्ण. तो जहाँ पे भी इफेक्टिव चीज़ आ रही है, मतलब कुछ प्रभावपूर्ण लग रहा है, वो है परसुएसिव डेफिनेशन. अब देखते हैं इसकी मीनिंग. इट इज़ यूज्ड एज मीन्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू एक्सेप्ट अवर व्यूज़, मतलब एक साधन है मीन्स टू इन्फ्लुएंस, मतलब अपना प्रभावपूर्ण तरीके से अपने व्यूज़ को एक्सेप्ट कराने का. सो इट इज़ इन्फ्लुएंस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो मीन्स टू इन्फ्लुएंस. ओके, नेक्स्ट वन, परसुएसिव डेफिनेशन कॉमनली अपीयर इन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स सच एज पॉलिटिक्स, क्राइम एंड रिलीजियस. तो जहाँ भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होता है, ये कंट्रोवर्शियल टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होगा वहाँ पे परसुएसिव डेफिनेशन अप्लाइड होगी या फिर यूज होगी. ओके, दिस टर्म इन्वॉल्व इमोशनली चार्ज बट इम्प्रिसाइज नोशन, मतलब जहाँ भी इमोशनली चार्ज्ड यूज होता है या फिर इम्प्रिसाइज जो रॉन्ग चीज़ें होती हैं, मतलब गलत चीज़ें हैं, वहाँ पे ये टर्म्स यूज़ होती है परसुएसिव डेफिनेशन. जैसे टेररिज्म है, डेमोक्रेसी है, अबॉर्शन है, ये चीज़ें क्या है, इमोशनली अटैच है लेकिन रॉन्ग टर्म्स में. ठीक है, सो दिस टर्म्स इन्वॉल्व इमोशनली चार्ज बट इम्प्रिसाइज नोशन, थोड़ा रॉन्ग टर्म्स में. ओके, नेक्स्ट वन है थ्योरेटिकल डेफिनेशन. सो थ्योरेटिकल डेफिनेशन अगर हम अपने लैंग्वेज में इसको बोलें तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरली ट्रू है, मतलब सच है. सो थ्योरेटिकल डेफिनेशन आर स्पेशल केसेस ऑफ स्टिपुलेटिव एंड प्रिसाइजिंग डेफिनेशन. तो ये स्पेशल केस है स्टिपुलेटिव और प्रिसाइजिंग डेफिनेशन का. एंड थ्योरेटिकल डेफिनेशन डिफाइंस अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू नेचर और डेफिनेशन, मतलब जो इसका ट्रू नेचर है उससे ये डिफाइन होती है, ट्रू नेचर या फिर ट्रू डेफिनेशन. सो जहाँ पे भी कुछ सच लग रहा है, मतलब ट्रू नेचर जो चीज़ है. और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कलेक्ट डाटा फ्रॉम मार्केट बाय द रिसर्चर नीड्स बेसिक नॉलेज ऑफ द स्टैटिकल टूल्स. मतलब कोई भी अगर रिसर्चर है, उसने डाटा कलेक्ट करना है मार्केट में से, तो उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रिसर्च टूल्स की, मतलब मेथोडोलॉजी की. एंड अनलेस द रिसर्चर हैव नॉलेज अबाउट द रिसर्च टूल्स दिस वुड बी अ बैड डेफिनेशन. लेकिन जब तक उसको नॉलेज नहीं है टूल्स, रिसर्च टूल्स के बारे में, तब तक वो क्या है, बैड डेफिनेशन. उसको पता नहीं है रिसर्च टूल के बारे में, लेकिन फिर भी वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वो अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्ट नहीं करेगा, सो इट इज़ अ बैड डेफिनेशन. सपोज एग्जाम्पल लेते हैं प्रोफेसर का, कोई प्रोफेसर है उसको लेकिन नॉलेज नहीं है
सब्जेक्ट की, लेकिन फिर भी वो टीच कर रहा है, लेकिन वो टीच इतना बेटर नहीं कर पाएगा, तो वो क्या है, बैड डेफिनेशन। अगर कोई प्रोफेसर उसे बेस्ट नॉलेज है तो वो क्या है, एक ट्रू डेफिनेशन। चलो, फॉर दोज रिसर्चर्स हु हैव नॉलेज अबाउट द रिसर्च टूल्स, जिस रिसर्चर के पास रिसर्च टूल की नॉलेज है, दिस डेफिनेशन इज़ गुड, ये डेफिनेशन बेस्ट होगी, क्योंकि उसको नॉलेज भी है और अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्ट कर भी सकता है, सो ही मे कलेक्ट एक्यूरेट डाटा। ओके, सो थियोरेटिकल डेफिनेशन का की मतलब है, मतलब ट्रू डेफिनेशन या फिर ट्रू नेचर। नेक्स्ट वन अदर डेफिनेशन। अदर डेफिनेशन में नंबर वन है एटीमोलॉजिकल डेफिनेशन। एटीमोलॉजिकल का मतलब होता है हिंदी में उत्पत्ति, मतलब जिसका वहाँ से, दैट इज डिराइव फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, उत्पत्ति होता मतलब इनिशियल, कहाँ से इनिशिएट हुआ है। सो डिफाइंस द एटीमोलॉजिकल डेफिनेशन, इट डिफाइंस अ वर्ड बाय गिविंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द विच इट इज डिराइव्ड, मतलब जहाँ से ये वर्ड लिया गया है वहाँ से। एग्जाम्पल लेते हैं इकोनॉमिक्स का, the word economics derived from greek word, मतलब originally word कहाँ से लिया गया है, तो originally greek word से लिया गया है economics, that is oikonomia से लिया गया है, so मतलब origin of the word, so etymology is the study of origin of the word, मतलब word की origin, जहाँ से ये उत्पत्ति हुई थी इसकी, इसको बोलते हैं etymological definition। नेक्स्ट में आता है इंटेंशनल डेफिनेशन। देखो, इंटेंशनल डेफिनेशन अगर आप अपने डेफिनेशन, अपने मीनिंग में हम करो, इसका मतलब होता है कॉम्प्रीहेंशन, मतलब विस्तार पूर्वक, जब एक ही मीनिंग को हम बहुत सारे डेफिनेशन यूज़ करके या फिर उसमें और ऐड करके बताते हैं, उस वो हो गया कॉम्प्रीहेंशन, मतलब इंटेंशन, इंटेंशनल। सो इट इज़ अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ वर्ड बाय गिविंग इट्स मीनिंग थ्रू एटीमोलॉजी एंड सिनोनिम्स, मतलब किसी एक वर्ड को डिफाइन कर रहा है उस वर्ड की एटीमोलॉजी, मतलब उत्पत्ति, जहाँ से ये उत्पत्ति हुई थी इसकी, जहाँ से ओरिजिन था वो भी बता रहा है, एंड सिनोनिम्स, उसके जो पर्यायवाची होते हैं, मतलब जो उसके रिलेटेड वर्ड्स हैं, उनको भी डिफाइन कर रहा है साथ में, मतलब एक कॉम्प्रीहेंशन, एक विस्तार पूर्वक, उसको बोलते हैं इंटेंशनल डेफिनेशन। ओके, तो दोस्तों आज हमने स्टडी की टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस के बारे में। श्योरली अगर आपने ये पॉइंट्स अपने नोट डाउन किए होंगे या फिर थोड़ा सा पॉइंट आउट किया होगा इनमें, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे सकते हो जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो देखते हैं, प्रीवियस ईयर में सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2011 में। इसमें कह रहा है पुअर मींस हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ RS 10,000, मतलब यहाँ पे पहले टिक किया हुआ है प्रीसाइजिंग को। देखो यहाँ पे प्रीसाइजिंग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध किया गया है उसकी डेफिनेशन को, मतलब यहाँ पे साफ है पुअर, एक तो पुअर आ गया, लेकिन उसको शुद्धिकरण करने के लिए ये भी बता दिया पुअर वो है जिसकी इनकम 10,000 रुपीज़ है। सो पुअर मीन्स हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 10,000, तो मतलब जो सेंटेंस था उसकी प्योरीफाई कर दिया, एक तो पुअर भी बता दिया, पुअर कौन है जिसकी इनकम 10,000 है, सो मतलब एक प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। ओके, दूसरा है डिटरमिन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। अबॉर्शन मीन्स द रथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बींग, तो हमने ये अबॉर्शन जहाँ भी दैट इज इमोशनली चार्ज्ड, जहाँ भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है परसुएसिव, सो आंसर होना चाहिए बी, परसुएसिव पहले ही सर्कल किया हुआ है, क्योंकि जहाँ भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इमोशनली अटैच बट नेगेटिव नोशन में, उसको हम बोलते हैं परसुएसिव। नेक्स्ट वन, अ स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इज, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन ना तो सच होता है और ना फॉल्स, सो नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। और नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन आया दिसंबर 2013 में, स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस मे बी सेड टू बी सेम क्वेश्चन, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। उसके बाद ये क्वेश्चन आया जून 2015 में, दैट इज अ डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड टू रिजोल्व अ डिस्प्यूट बाय इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड और स्ट्रिंग इमोशन इज कॉल्ड। अब देखो ये अगेन वर्ड जुड़ा हुआ है इमोशंस, जहाँ भी इमोशनली वर्ड यूज हुआ दैट मीन्स परसुएसिव डेफिनेशन। सो तो दोस्तों आज के हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई एक और टॉपिक पेपर वन से रिलेटेड। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।